आज फ्रांस की कंपनी ने जो काम भारत के लिए किया है, अगर भारत में आने वाली सभी विदेशी कंपनियां ऐसा करती हैं तो हम बहुत जल्द आत्मनिर्भर बन जाएंगे। बड़ी खबर यह है कि फ्रांस की ग्लास मैन्युफैक्चर कंपनी सेंट गोबेन ने अपने चेन्नई प्लांट से लो कार्बन ग्लासेस को मैन्युफैक्चर करने का काम शुरू कर दिया है। और कंपनी के जिस काम की हमने तारीफ की है वो ये है कि भारत में सेल होने वाले 100% ग्लासेस में से 98% कंपनी भारत में ही मैन्युफैक्चर करती है, यानी कि उनमें लगने वाले रॉ मटेरियल से लेकर के जितने भी एलिमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो सभी भारत से ही सोर्स किए जाते हैं। कंपनी अपनी इंडियन सेल का सिर्फ 2% इम्पोर्ट करती है और हम उम्मीद करेंगे कि भारत में आने वाली सभी विदेशी कंपनियां ऐसा जरूर करें। आप भी इस डिसीजन के बारे में अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में यस और नो लिख करके। बात करें हम इस खबर की सारी डिटेल्स के बारे में तो फ्रांसीसी कंपनी सेंट गोबेन भारत के अंदर काफी लंबे समय से ग्लासेस को मैन्युफैक्चर करने का काम कर रही है। बेसिकली कंपनी इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल होने वाले ग्लासेस को मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन कंपनी ने अपनी चेन्नई यूनिट में अब नॉर्मल ग्लास मैन्युफैक्चरिंग की तुलना में 40% लो कार्बन मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हुए ग्लासेस को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि कंपनी की प्लांट में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिसिटी भी कई प्रकार के रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से ली जा रही है, जिसके बाद कंपनी ने अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी इंक्रीज किया है। करंटली कंपनी के पास करीब 1000 टन प्रतिदिन ग्लासेस को मैन्युफैक्चर करनी है, जिसके बाद कंपनी अपनी कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ाने वाली है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अब तक भारत में करीब 12,000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर दिया है अपने इस ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए और लगातार लो कार्बन ग्लासेस के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है। कंपनी का कहना है कि सबसे ज्यादा ग्लासेस की सप्लाई रियल एस्टेट में की जाती है, जिसको लेकर के कंपनी की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। आपको बता दें लो कार्बन ग्लासेस ऐसे ग्लासेस हैं जिनकी एज खत्म होने के बाद या फिर उनके क्रैक होने के बाद इनको फिर से रियूज करके एक नए ग्लास में तब्दील किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर हम नजर डालें भारत के ग्लास इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में तो भारत लगभग जितना ग्लासेस को इम्पोर्ट करता है उतना ही ज्यादा एक्सपोर्ट कर देता है। आप ईयरवाइज डेटा देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जहां साल 2021 में भारत का एक्सपोर्ट ज्यादा हो चुका था इंपोर्ट की तुलना में। और अगर बात की जाए मैक्सिमम एक्सपोर्ट के बारे में तो आज भी भारत का ग्लास सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट, नीदरलैंड, यूएई, चाइना और सऊदी अरेबिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। आज भारत में करीब 40 से भी ज्यादा ग्लास प्रोडक्शन यूनिट्स काम कर रही हैं जो बड़े स्केल पर ग्लासेस को बनाती हैं। यहां पर कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, मिरर, सोलर इंडस्ट्री और मल्टीपल सेक्टर्स के लिए ग्लासेस को बनाने का काम किया जाता है। भारत की ये इंडस्ट्री करीब $2 बिलियन की है और हर साल 12-15% की ग्रोथ रेट इसमें देखी जा रही है। इसके अलावा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वो भारतीय ग्लास मैन्युफैक्चरर्स हैं जो काफी बड़े स्केल पर भारत में ग्लासेस को मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा रिसर्च वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।